बोलवले बोलतो कोणतं दुसरं तो गेंदबाजी के लिए अमोल वारे तैयार होंगे। इस ओर की पहली गेंद लेके उसको पेश करेंगे बल्लेबाज मयूर पाटिल। गेम ऑन, उठा के खेलना चाहते थे। इस गेंद को थोड़ा उछाल कम दिया था, सीधी गेंद जाते हुए विकेट कीपर के दस्तान में चकमा देने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता। अच्छी शुरुआत यहां से गेंदबाजी की करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज अमोल वारे। पहली एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। पहली गेंद के ऊपर रोक के रखा, बांध के रखा, जकड़ के रखा, पकड़ के रखा बल्लेबाज मयूर पाटिल को। पहली गेंद के ऊपर शांत रखने का काम इस बार, इस गेंद को थोड़ा सा उछाल दिया था। गेंद सीधी जाते हुए विकेट कीपर के दस्तान में और चकमा देने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता। डॉट गेंद की हुई समाप्ति, दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। शानदार गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी, सटीक लाइन की गेंदबाजी, लेंथ लाइन में गेंदबाजी देखने के लिए मिलेगी गेंदबाज अमोल वारे के माध्यम से। दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। इस बार उठा के खेलना चाहते, फुटवर्क का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। लगातार की तीन गेंदें डॉट के लिए और ऐसा 14वां खिलाड़ी है जो कि लगातार की तीन गेंदें डॉट खेल चुका है। मयूर पाटिल लगातार की तीन गेंदें डॉट खेल चुका है। तीन गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। शानदार गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी। अभी भी इस ओवर की तीन गेंदों का खेल बाकी है। तीन गेंदें डाली है गेंदबाज अमोल वारे ने। अच्छी बल गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस बार उठा के खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे, थ्रो करेंगे। तब तक एक चिक्की सिंगल यहां से दो खिलाड़ी पूरा करते हुए नजर आएंगे। सिंगल के साथ अपने पारी का आगाज अकाउंट ओपन करते हुए नजर आएंगे मयूर पाटिल। चार गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और चार गेंदों के समाप्ति के बाद निशांत पाटिल ऑन स्ट्राइक गेंद पर नजर आएंगे। अभी भी इस ओवर की दो गेंदों का खेल बाकी है, चार ओवर का मुकाबला है दोस्तों। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे। ये गेंद सीधे छोड़ दिया था, लाइन को देखा था बल्लेबाज निशांत पाटिल ने। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद का इशारा, तब अतिरिक्त रनों में आज से बढ़ोतरी होती नजर आएगी। दो रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। चार गेंदें डाली है गेंदबाज अमोल वारे ने और केवल दो रन खर्च किए है। अभी भी इस ओवर की दो गेंदों का खेल बाकी है। मैनेटरी पावर पे में गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन बल्लेबाजों को बल्ले का फेस खोलने का मौका नहीं दे रहे। गुडलैंड वहां पर टेकअप किया था इस गेंद को। सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में, नपी तुली गेंदबाजी, गेंदबाज अमोल वारे के माध्यम से। पांच गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, कुल टोटल वहां पर रुका हुआ है। यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, अच्छा टारगेट सेट करना है तो सामने वाली टीम भी देखी जाए। सार्थक इलेवन और शिलार पड़ा उतनी ताकतवर टीम मानी जाती है, तो उस टीम के सामने खेलते हुए अच्छा टारगेट सेट करना बेहद जरूरी होगा। रनआउट का मौका बन सकता था, खतरे की एंड से दौड़ रहे थे बल्लेबाज निशांत पाटिल। बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और यहां से एक ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। शानदार ओवर की हुई समाप्ति और एक ओवर के समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करने वाले जयमल्लार चेरवल टीम की बात की जाए तो बगैर कोई विकेट के नुकसान पर तीन रन। तब तक सुनिए डीजे। तो एक ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। अच्छी गेंदबाजी देखने के लिए मिलेगी, नए गेंदबाज, गेंदबाजी में आपको परिवर्तन नजर आएगा। प्रथम वारे गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। खुद की ओर से पहली टीम की तरफ से दूसरी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो पहली एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। यहां से बात की जाए तो मयूर पाटिल ने चार गेंदे खेली है और केवल एक रन जोड़ी है। निशांत पाटिल की बात की जाए, दो गेंदे खेली है और एक रन जोड़ी है। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचेगा यहां से बल्लेबाजी करने वाले जयमल्लार चेलवी टीम के खेमे में। 18 गेंदों में कितने रन जोड़ेगी और अपोजिट टीम सार्थक इलेवन शीलर पड़ा टीम के सामने कितना टारगेट सेट करेगी ये भी देखना बेहद जरूरी होगा।
तो निश्चित तौर से हमारे सीनियर कमेंटर प्रवीण गायकर वाकड़ी, इनको मैं गुजारिश करता हूँ कि आइए आप मंच के ऊपर, आपका भी श्रृंखला के माध्यम से हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाते हुए अंपायर का बीमर गेंद का इशारा आता हुआ, और निश्चित तौर से फील्डर के वजह से अंपायर ने इस गेंद को बीमर गेंद घोषित कर दिया। इसी के साथ अतिरिक्त रनों में यहां से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, चार रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। अंपायर ने इस गेंद को नो गेंद घोषित किया और इसके साथ चार रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। फ्री ट्रे की वन बाउंस की वार्निंग दी गई है गेंदबाज यहां से प्रथम वारे को, पहली गेंद खराब गेंद डाली थी गेंदबाज प्रथम वारे ने। कुल टोटल की बात की जाए तो चार रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। अभी भी इस ओवर की छह गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, उठा के खेलना चाहते थे। फ्री हिट की गेंद थी, पूरे पूर मौका था बल्लेबाज यहां से बात की जाए तो निशान पटेल के पास डॉट गेंद की हुई समाप्ति। पहली एक गेंद का खेल यहां से समाप्त हो चुका है, अभी भी 17 गेंदों का खेल बचेगा बल्लेबाजी करने वाले जय मल्लार चेरुल टीम के खेमे में। उठा के खेलना चाहते थे इस गेंद को, यह सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। दो गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है, अभी भी इस ओवर की चार गेंदों का खेल बाकी है। यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे अगर अच्छा टारगेट सेट करना है तो। उतार दो जो चूड़िया जो रातों में खनकती है, और दिखा दो ऐसी बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। तो यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बल्ला जरूर घुमा रहे बल्लेबाज मयूर पाटिल, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद की हुई समाप्ति, और कुल टोटल की बात की जाए तो पांच रनों के ऊपर कुल टोटल रुका हुआ है। यहां से इसी लेटर पे ताव देना पड़ेगा। उठा के खेला इस गेंद को, गेंद को खेला था मिड ऑफ में, गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑफ में, गेंद के नीचे आएंगे खिलाड़ी, उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक समय था खिलाड़ी के पास एक सिंगल पूरा करने का। यहां से चिक्की सिंगल दो खिलाड़ी पूरा करते हुए नजर आएंगे, सिक्स रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। गेंदे समाप्त हो चुकी है दोस्तों, चार अभी भी इस ओवर की दो गेंदों का खेल बाकी है। गेंदबाजी के लिए प्रथम वारे तैयार होंगे इस ओवर की पांचवी गेंद लेके। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा है, लेकिन यहां से खिलाड़ी के हाथ से हुई गलती, और गलतियों का यहां से परिणाम भुगतना पड़ेगा। गेंद जाएगी सीमा रेखे के बाहर, यह आता हुआ दन 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 करने वाला एक दमदार चौका। डीजे 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे, पांच गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। और डीजे आपको मैदान के अंदर भी ध्यान देना है, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, इस बार उठा के खेलना चाहते थे। पिछली गेंद के ऊपर डाव देखने के लिए मिला बल्लेबाज का, इस गेंद के ऊपर डाव देखने के लिए मिला गेंदबाज का, पलटवार देखने के लिए मिला। दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और दो ओवर के समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करने वाले यहां से जय मल्लार चेरुले टीम की बात की जाए तो बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 10 रन प्रति ओवर औसत देखी जाए तो पांच पांच के औसत से चल रही है, और टीम की कुल टोटल की बात की जाए 10 रन।
नए गेंदबाज गेंदबाजी की भागदौर संभालते हुए नजर आएंगे। ऑन स्ट्राइक पर बल्लेबाज देख सकते हैं मयूर पाडेल। दो ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। 12 गेंदों का खेल बचेगा। यहां से बल्लेबाजी करने वाले जयमल्लार चेरुले टीम के खेमे में 12 गेंदों में यहां से अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा। इस बार उठा के खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई अंपायर द्वारकानाथ चोरगेसर का इशारा आता हुआ, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रनों में यहां से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और बिना कोई बल्ले से बना हुई रन मिलेगी यहां से बल्लेबाजी करने वाले चेरुली टीम को और कुल टोटल में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है, अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। दमखम रखते है खिलाड़ी लेकिन दमखम दिखाना पड़ेगा क्योंकि यह दुनिया है दोस्तों, नाम से नहीं काम से जानी जाती है। तो काम ऐसा करो कि नाम बन जाए और नाम ऐसा करो कि नाम से ही काम बन जाए। चलो तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है, तीसरे अंपायर की भूमिका में यहां से लाइव के माध्यम से चेक किया जाएगा। तीसरे अंपायर के माध्यम से देवेंद्र पाटिल हमारे तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे। तो गेंदबाजी के लिए अक्षय वारे गेंदबाजी की भागदौर संभालते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद खराब डाली है, गेंदबाजी के लिए अक्षय वारे तैयार होंगे। इस बार उठा के खेलना चाहते थे, उठा के खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, चकमा देने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता, डॉट गेंद की समाप्ति। और मयूर पाटिल की बात की जाए ना, 5 गेंद डॉट के लिए इस खिलाड़ी ने और केवल 2 रन जोड़े अपने टीम के लिए। पहली एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। कुल टोटल की बात की जाए तो 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। कभी कभी क्या होता है, गेंदबाजी करने वाले टीम के लिए अच्छा हो रहा है, कभी कभी बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए अच्छा और आता है। इसलिए तो कहते हैं ना दोस्तों, झूला जितना तेजी से आगे जाता है उतना तेजी से पीछे भी आता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है लेकिन वक्त सबका आता है। ऊपर वाले के पास देर जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। तो पहली एक गेंद का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है, अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है। तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे ईश्वर की दूसरी गेंद लेके। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अगर बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट नहीं हो रहे तो सिंगल डबल को ही महत्व देना चाहिए लेकिन वैसा नहीं कर रहे खिलाड़ी मयूर पाडेल, उसका परिणाम पूरे टीम को भुगतना पड़ रहा है। जैसे राजकरण में एक ओट को महत्व दिया जाता है और एग्जाम में जैसे एक मार्क को महत्व दिया जाता है, वैसे ही क्रिकेट में एक एक रन को भी महत्व देना चाहिए। 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। कुल टोटल की बात की जाए तो 11 रनों के ऊपर कुल टोटल रुका हुआ है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार जगह बनाई थी लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद की हुई समाप्ति। 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, कुल टोटल वहां पे रुका हुआ है। यहां से पटरी रुकी हुई है जयमल्लार चेरुली टीम की, इस पटरी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया झुकती है दोस्तों, झुकाने वाला चाहिए, रन बनते हैं दोस्तों, रन बनाने वाला चाहिए। 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार एक्रॉस खेला इस गेंद को, गेंद जाती हुई सीमा रेशे के लगत, गेंद जाएगी जाएगी सीमा रेशे के बाहर। ये आता हुआ मयूर पाटिल के बल्ले से एक शानदार चौका। डीजे थैंक यू सो मच डीजे। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस बार उठा के खेला, घुटना टेको, तमाशा देखो, ऐसा स्ट्रोक जरूर खेला है। गेंद जाएगी सीमा रेशे के बाहर, यह आता हुआ दमदार छक्का। जैसे ताज के खेल में एक्का और क्रिकेट में छक्का बेजरी आता है, वैसे ही छक्का आया बल्लेबाज मयूर पाटिल के बल्ले से। डीजे
21 रन 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। काफी देर बाद बल्ले का पेस खोला बल्लेबाज जमीर पाटिल ने और ये पहला रिवर्स स्वीप का छक्का आता हुआ इस बल्लेबाज जमीर पाटिल के माध्यम से। डीजे सत्ताईस रन काफी देर तक मयूर पाटिल गेंदे डॉट खेले थे लेकिन जैसे गेंदे खराब आई ना उसके ऊपर हल्ला बोलते हुए नजर आएंगे। अपन मंचवरती मान्यवर पाहतो भिंगर गबातील आदरणीय व्यक्तिमत्व संजय जगे यांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जाईल आणि ते स्वागत स्वीकारण्यासाठी मी संजय जगे यांना विनंती करतोय आणि ते स्वागत करण्यासाठी मंगेश पवार यांना विनंती करतोय की आपल्या हस्ते स्वागत करायचं आहे। संजय जगे यांचं स्वागत केलं जातंय स्पर्धेच्या माध्यमातून मायेचे उबदार शाल आणि एक प्रेमाचं प्रतिउच्च देऊन याची एक मान सन्मान केलं जातंय। सत्ताईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। नए गेंदबाज गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी में आपको परिवर्तन नजर आएगा। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नए गेंदबाज भास्कर बोराडे गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। स्लॉग वर्ड डेट वर्ड जिसे कहा जाता है उसमें गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज भास्कर बोराडे। छह गेंदों का खेल बचेगा। पहले दो ओवर में यहां से बल्लेबाजी करने वाले जयमलार चेलू टीम के रन नहीं आए थे लेकिन तीसरे ओवर में 17 रन आए और रन बन चुके हैं दोस्तों 27 रन। अच्छी बल्लेबाजी अभी करते हुए नजर आएंगे मयूर पाटिल अपने टीम के लिए। ऑन स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज देख सकते हैं निशान पाटिल जिनके माध्यम से एक चौका देखने के लिए मिला है। पांच गेंदे खेलिए छह गेंदे खेलिए और छह रन बनाए अपने टीम के लिए। ऑन स्ट्राइक गेंद पर नजर आएंगे भास्कर बोराडे गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे। ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई अंपायर जीवन गवन सर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रनों में यहां से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और बिना कोई बल्ले से बनाई रन मिलेगी यहां से जयमलार चेरुलु टीम को। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। अभी भी इस ओवर की छह गेंदों का खेल बाकी है। पहले तीसरे गेंदबाज देखे थे अक्षय वारे जिनने भी वाइड के साथ शुरुआत की थी और ये गेंदबाज देख रहे हम भास्कर बोराडे जिनने भी वाइड के साथ शुरुआत की है। या तब सिंगल सिंगल के साथ 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। उठा के खेलना चाहते थे घुटना टेको तमाशा देखो ऐसा स्ट्रोक जरूर लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं डॉट गेंद की हुई समाप्ति। दो गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। अगर ये चार गेंदों में एक का दूसरा बड़ा स्ट्रोक आता है तो निश्चित तौर से अच्छा टारगेट से हो सकता है लेकिन बड़ा स्ट्रोक आना बेहद जरूरी होगा। लगातार की दो गेंदे डॉट डाली है गेंदबाज भास्कर बोराडे ने। अभी भी तीन गेंदों का खेल बचेगा। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज फिर एक बार भास्कर बोराडे तैयार होंगे इस ओवर की चौथी गेंद लेके। उठा के खेला इस गेंद को गेंद हवा में ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम लेकिन खिलाड़ी बनेंगे दर्शक किली किली चंपा और खुश हुई रंबा नंबर मिलेंगे दोस्तों 6 बिगिट डीजे।
मेहनत करो तो रुकना नहीं है, हालात कैसी भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। इस बार उठा के खेलना चाहते थे, बल्ले और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, डॉट गेंद की हुई समाप्ति, पलटवार देखने के लिए मिला, पिछली गेंद के ऊपर डाव देखने के लिए मिला था बल्लेबाज मयूर पाटिल का, इस गेंद के ऊपर डाव देखने के लिए मिला है गेंदबाज भास्कर का। इस इनिंग की आखिरी एक गेंद का खेल बाकी होगा, कितने नंबर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर ये भी देखना बेहद जरूरी होगा। भास्कर तैयार होंगे इस ओवर की आखिरी गेंद लेके, ये देखो अच्छी गेंद डाली थी, उठा के खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर ने गलती की और गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो कहते ना राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई, तीन तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीसरी का प्रयास चल रहा है, रनआउट का मौका बन सकता है और मौका बन चुका है, दो रन मिलेंगे, तीन रन माफ कीजिए, तीन रन मिलेंगे इसी के साथ बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए दोस्तों 38, 38 रन बनाए और आने वाली 24 गेंदें जीतने के लिए 39 39 रन की जरूरत होगी। नेक्स्ट मुकाबला आकुरली बनाम धुंधरेपाड़ा, दोनों कप्तानों को यहां से पहला पुकार दिया जाता है कि टॉस के लिए आना आपको, तब तक सुनिए डीजे। ने 38 रन बनाया है और सार्थक 11 शेलर बड़ा टीम को जीतने के लिए 39 39 रन की जरूरत है। सलामी की जोड़ी सार्थक 11 शेलर पड़ा टीम की मैदान के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, किस तरह से बल्लेबाजी होगी, किस तरह से गेंदबाजी होगी वो भी हम जरूर देखेंगे। 24 गेंदे जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है। चला कुरली संघाचा कर्णधार आणि धुंधरेपाडा संघाचा कर्णधार इथून दुसरा पुकार दिला जातोय की आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी लगेचच मंचावरती यायचं आहे।
आणि बघा अन्यथा जर आपण लेट झालात तर तीन षटकांचा सामना खेळावा लागेल याची सुद्धा आपण दक्षता घ्यायची आहे. तो सलामी की जोड़ी यहां से सार्थक इलेवन शेलरपाड़ा टीम की अक्षय वारे और प्रथम वारे ऐसी जोड़ी देखने के लिए मिलेगी. गेंदबाजी के लिए दीपक कतकरी गेंदबाजी की भागदौर संभालते हुए नजर आएंगे. थर्टी एट रन बनाए, 39 रनों की जरूरत है जीतने के लिए. गेंदबाजी के लिए दीपक कतकरी तैयार होंगे. ईश्वर की पहली गेंद लेके अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ गेम ऑन. शॉर्ट अप लाइन की गेंद डाली थी, अच्छी गेंद डाली थी, उठा के खेलना चाहते थे बल्लेबाज अक्षय वारे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं. डॉट गेंद की हुई समाप्ति, चकमा देने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता. ऑन स्ट्राइक गेम पर खिलाड़ी प्रथम और नॉन स्ट्राइक गेम पर खिलाड़ी अक्षय वारे ऐसी जोड़ी देखने के लिए मिलेगी. यहां से पहली एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है. अच्छी शुरुआत जिसकी शुरुआत की थी गेंदबाजी करते हुए अमोल वारे ने, वैसी शुरुआत यहां से दीपक कतकरी करते हुए नजर आएंगे. शॉर्ट अप लाइन की गेंद डाली थी, पहले ही जगह बनाई थी, गेंद जाएगी सीमा रेशे के बाहर, रुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेशे के बाहर. यह आता हुआ दन 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 करने वाला एक दमदार छक्का. तो दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है. जरूर की डाव की शुरुआत गेंदबाज दीपक ने की थी, लेकिन पलटवार देखने के लिए मिलेगा बल्लेबाज प्रथम वारे के माध्यम से. ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा, वाइड गेंद में का इशारा आता हुआ. अतिरिक्त रनों में आज से बढ़ोतरी होती नजर आएगी. 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे. प्रेशर में गेंदबाजी, जैसे छक्के का मार खाया उसके बाद प्रेशर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज दीपक कतकरी. दो गेंद डाली है, 7 रन खर्च किया है. अभी आने वाली गेंदे बचेंगी 22 और जीतने के लिए जरूरत होगी 32 रन, 32 रन की जरूरत होगी. नेक्स्ट मुकाबला आपके सामने होगा अकुरली बनाम धुंधरेपाड़ा. अकुरली टीम का कप्तान आ चुका है, धुंधरेपाड़ा टीम का कप्तान यहाँ पे आपको टॉस के लिए आना है. उठा के खेला इस गेंद को, गेंद जाएगी 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 सीमा रेशे के बाहर. यह आता हुआ दन दन करने वाला एक दमदार छक्का. काना शेंद्रे यांना विनंती केली जाते यावं आपण व्यासपीठावर. त्यानंतर बलरामजी भोपी, त्यानंतर दिलीपजी पाटील, त्यानंतर प्रशांतजी पाटील, त्यानंतर भरणजी पाटील यांना सुद्धा पाहतो. त्यानंतर आपण सर्व मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करूया. गैप में खेला इस गेंद को, गैप में खेला इस गेंद को, नजाकत दिखाई, नजाकत भरा स्ट्रोक बल्लेबाज प्रथम वारे के बल्ले से. प्रथम वारे इज ऑन फायर. यह आता हुआ दमदार चौका. गई गेंद जाएगी सीमा रेशे के बाहर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ ये दन 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 करने वाला एक दमदार छक्का. से कड़ी जोड़ दी जाए तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है. ये मेहनत है बल्लेबाज की. ये गेंद, इस गेंद को थोड़ा नीचे रखा था, गेंद जाती भी सीधी विकेटकीपर के दस्तान में. डॉट गेंद की हुई समाप्ति, एक ओवर का खेल यहां से हुआ समाप्त.
धुंधरेपाड़ा टीम का कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। यहाँ पे अकुल्ले टीम का कप्तान आ चुका है, उनका भी हम खास करके शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। आने वाली 18 गेंदे जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत होगी। 38 रन बनाए थे और 39 रनों की जरूरत थी। महंगी गेंदबाजी देखने के लिए मिली गेंदबाज दीपक कतकरी के माध्यम से। शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन जैसे बाद में खराब गेंदबाजी और खराब गेंदों का पूरे पूरा समाचार लिया बल्लेबाज प्रथम वारे ने। और अभी तक की श्रृंखला में से बात की जाए तो सबसे महंगी गेंदबाजी अभी तक की गेंदबाज दीपक कतकरी के माध्यम से। कल के दिन में देखा था हमने दो गेंदबाजों ने 21 रन खर्च किए थे, अभी देखा जाए तो ये गेंदबाज दीपक कतकरी इन्होंने 23 रन खर्च किए, सबसे महंगी गेंदबाजी अभी तक की। पहली एक ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है, यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदे कैसी डाली जाए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा यहाँ से जयमल्लार चेरुल टीम के गेंदबाजों को। अगर ये मुकाबला जीतना है सार्थक 11 शेलारपाड़ा टीम को तो सिंगल डबल के साथ भी मुकाबला जीता जा सकता है। अच्छी गेंद डाली थी, ब्लॉक हॉल में इस गेंद को डाला था। गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे, तब तक समय था खिलाड़ी के पास एक चिक्की सिंगल पूरा करने का। और यहाँ से एक चिक्की सिंगल पूरा करते हुए नजर आएंगे। सिंगल के साथ अक्षय वारे अपने टीम का अपने का खुद का खाता ओपन करते हुए नजर आएंगे। और इस सिंगल के साथ 24 रन 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। और अच्छी सोचे मैं तो कहना चाहूंगा अक्षय वारे की, अगर सामने वाला खिलाड़ी खेल रहा है ना तो उसको स्ट्राइक पे लाना बेहद जरूरी होता है, वैसा ही किया अक्षय वारे ने। पहली एक गेंद डाली है गेंदबाज सतीश पाटिल, नए गेंदबाज गेंदबाजी की भागदौर संभालते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद तो अच्छी डाली है, ये शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद डाली थी, ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा, दैट इज अ वाइड गेंद का इशारा था। अतिरिक्त रनों में यहां से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, 25 रन 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद का इशारा दबा। तर आदरणीय व्यक्तिमत्व काना शेंद्रे यांना विनंती करतो की आपल्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे। या पुढचा सामना आपण पाहतोय अकुर्ली विपक्ष धुंधरेपाड़ा। उठा के खेला इस गेंद को, गेंद जाएगी जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आता हुआ एक दमदार छक्का ठोक दीजिए। रन 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। ये के देखो डांडी गोल, इस बार डांडी गोल, पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, गोल्डन विकेट मैदान से बाहर, बैक टू पद प्रथम वारे डीजे। प्रथम ओवरी की बात की जाए, 8 गेंदे खेली इस खिलाड़ी ने और 28 रन की पारी खेली। अमोल वारे इन 8 नंबर 3 के खिलाड़ी, मिडल ऑर्डर के सबसे घातक खिलाड़ी इस टीम के अमोल वारे ऑन स्ट्राइक पर नजर आएंगे। गेंदे समाप्त हो चुकी है, 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। कुल टोटल की बात की जाए तो 32 रन 32 रन, आने वाली गेंदे बचेंगी यहां से 15 गेंदे बचेंगी और जीतने के लिए जरूरत होगी 7 रनों की। पंद्रह गेंदे जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है, यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदे जैसी कैसे डाली जाए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा यहाँ से जयमल्लार चेरुल टीम के गेंदबाजों को। ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई और अंपायर का इशारा, वाइड गेंद का इशारा था वहां। एक गेंद अच्छी डाल रहे गेंदबाज सतीश पाटिल और एक गेंद खराब डाल रहे, अभी तक का ये कॉम्बिनेशन रह चुका है इस गेंदबाज सतीश पाटिल का।
पिछली गेंद अच्छी डाली थी उसके बाद एक वाइड डाला, पहली गेंद अच्छी डाली थी उसके बाद फिर एक वाइड डाली थी, वाइड डालता इसी के साथ 33 रन 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। आने वाली 15 गेंद है और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। इस गेंद को थोड़ा सा उछाल कम दिया था, सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में। 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 13 गेंद है और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। चौदह दो गेंदों का खेल बाकी है, 14 गेंद है और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। लो पुलटास गेंद डाली थी, उठा के खेलना चाहते थे बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क जुड़ा नहीं। सिंगल यहां से ये दो खिलाड़ी पूरा करते हुए नजर आएंगे। सिंगल के साथ 34 रन 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। आने वाली 13 गेंद है, जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। अगला मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा अकुरली बनाम धुंद्रेपाड़ा। टॉस की बात बन चुकी है अकुरली टीम और तेरह गेंदे जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। इस बार एक्रॉस खेलना चाहते थे, पहले ही मंसूबा बना था मुझे इस जगह पे मारना है, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद की हुई समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 12 गेंदे जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। अच्छी गेंद डाली थी, गैप में खेला था इस गेंद को, 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए नजर आएंगे। तीसरी का प्रयास रन आउट का मौका बन सकता है और मौका बन चुका है। यहां से वापस लौटना पड़ेगा खिलाड़ी अमोल वारे को, रन आउट के स्वरूप में विकेट गंवानी पड़ी है। वारे मैदान के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। आणि बघा जे प्रेक्षक त्या पट्टीवर बसले त्यांना मी विनंती करतोय आपण पट्टीच्या बाहेर बसायचं आहे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, उठा के खेला इस गेंद को, गैप में खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर आएंगे लेकिन खिलाड़ी बनेंगे दर्शक। गेंद जाएगी वन बाउंस मारेश के बाद 4 रनों के लिए, विनिंग स्ट्रोक, मुकाबला फिनिश। लाइनअप करके आना है, लाइनअप करके जाना है। ये मुकाबला जीता दोस्तों सार्थक 11 शेलारपाड़ा टीम ने, बेस्ट ऑफ लक सार्थक 11 शेलारपाड़ा टीम ने, हार्ड लक मैं तो कहना चाहूंगा। जय मल्लार शेल टीम। और अकुरली टीम ने टॉस जीता है, जो भी डिसीजन है उसके ऊपर आपको अमल करना है। तर मान्यवर आपण पाहतो या स्पर्धेसाठी आदरणीय व्यक्तिमत्व कान्हाजी शेंद्रे यांचा